हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 2 फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग पहले नंबर की अलंकार सीमिली के विषय में यानी उपमा अलंकार के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत आपको बताया गया था कि अलंकार क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है। साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जिस प्रकार से किसी उत्सव में जाने के लिए, शादी समारोह में जाने के लिए महिलाएं गहने पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, तरह तरह के श्रृंगार करती हैं, सजावट करती हैं, किस लिए? सुंदर दिखाई देने के, आकर्षक दिखाई देने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से भाषा के अंतर्गत सब या वाक्यांश का प्रयोग साधारण प्रयोग से हटकर, अलग हटकर विशेष प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है ताकि भाषा की रोचकता बढ़ जाए, आकर्षण बढ़ जाए, सुंदरता बढ़ जाए, सरलता बढ़ जाए, उसमें नवीनता आ जाए और उसका प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत अधिक पड़े, बातचीत की शैली में आकर्षण हो और जो बात हम कहें अलंकारों के प्रयोग के माध्यम से वह दूसरे के ऊपर अधिक प्रभाव डाले, अधिक प्रभावशाली हो। यह है फिगर ऑफ स्पीच अलंकार। यूं तो अलंकार सैकड़ों प्रकार के होते हैं, लगभग 100 मान के चलिए, लेकिन जो प्रमुख अलंकार हैं वह 20-25 ही है, जो अधिकांशतः यूज किए जाते हैं, चाहे वह कविता में हो, नाटक में हो, रोज के गद्य में भी होता है, बातचीत के आकर्षण पैदा करने के लिए होता है आदि आदि जगह। कवि करता क्या है? कवि या लेखक शब्दों के साधारण प्रयोग से हट करके, अलग हट के व्यंजनात्मक प्रयोग कर देता है ताकि उसकी भाषा का आकर्षण बढ़ जाता है। अब इसमें इंटरमीडिएट में तो 7 अलंकार कोर्स के हिसाब से अलर्ट किए गए, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल और ओनोमैटोपोया, ये 7 अलंकार अलॉटेड है। ये 7 अलंकार आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, बाकी 10-15 अलंकार जो पिछले वीडियो के अंतर्गत, थोड़ा उनको उतने डिटेल में नहीं, जितना जरूरत की चीज आप होगी उसको समझाया जाएगा। जैसे पहले नंबर का सिमिली, सिमिली का मतलब होता है उपमा। डेफिनेशन, परिभाषा, यानी उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? ए सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। उपमा अलंकार 2 वस्तुओं के बीच तुलना है। ए सिमिली इज ए कंपेरिजन, उपमा अलंकार तुलना है कहां? बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, 2 भिन्न जाति के वस्तुओं के बीच तुलना है उपमा अलंकार। विच है एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, जिसके अंतर्गत कम से कम एक गुण या दोष समान होता है। विच है 1 एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, जिनके अंतर्गत कम से कम एक बिंदु गुण या दोष हो सकता है समान होने चाहिए। देवर्स एज लाइक सो आर यूज फॉर द कंपेरिजन, तुलना के लिए एज लाइक और सो का प्रयोग किया जाता। फिर सुन लीजिए, कह रहा है कि ए सिमिली उपमा अलंकार इज कंपेरिजन, तुलना है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 वस्तुओं के बीच तुलना है आप डिफरेंट काइंड, भिन्न प्रकार के, भिन्न जाति के वस्तुओं के बीच तुलना है। विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक गुण दोष समान होना चाहिए। डिवर्स एज लाइक सो आर यूज फॉर द कंपेरिजन, तुलना के लिए एज लाइक और सो जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब साधारण भाषा में समझिए कि उपमा अलंकार वह अलंकार है
जिसमें दो वस्तुओं जो दो भिन्न जाति के वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक गुण समान होने चाहिए और तुलना के लिए एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है। वही हिंदी में लिख दिएगा उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है, यानी उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो, यानी दोनों वस्तुओं के बीच एक गुण समान होना चाहिए। एज लाइक और सो शब्दों का प्रयोग समानता प्रकट करने के लिए, समानता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूसरी परिभाषा है सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार वह अलंकार है इन विच जिसमें टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो भिन्न वस्तुएं भिन्न जाति की वस्तुएं आर इवेंट्स अथवा घटनाएं हैविंग समथिंग इन कॉमन जिसमें कुछ न कुछ समान होना चाहिए आर कंपेयर्ड तुलना की जाती है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स सच एज लाइक सो आर एस का सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच, उपमा अलंकार वह अलंकार है इन विच जिसमें टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट दो भिन्न वस्तुएं आर इवेंट अथवा दो भिन्न घटनाएं हैविंग समथिंग इन कॉमन जिसमें कम से कम कुछ न कुछ यानी एक गुण दो समान हो आर कंपेयर तुलना की जाती है और तुलना किसे विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स सच है इन शब्दों की तुलना में वो तो लाइक हो अब सो हो और एज। तीसरी परिभाषा है इन ए सिमिली उपमा अलंकार के अंतर्गत ए कंपैरिजन इज मेड तुलना की जाती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड भिन्न जाति के दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है विच हैव हाउ एवर फिर भी जिसके अंतर्गत एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन जिसमें कम से कम एक बिंदु एक गुण समान होना चाहिए। फिर सुनिए इन असेंबली उपमा अलंकार में एक कंपैरिजन एक तुलना इज मेड की जाती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड भिन्न जाति के दो वस्तुओं के बीच उपमा अलंकार में तुलना की जाती है विच हैव हाउएवर एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन जिनमें कम से कम एक गुण समान होने चाहिए। दी सिमिली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस उपमा अलंकार का सामान्यतया परिचय कराया जाता है। दी सिमिली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस उपमा अलंकार का सामान्यतया प्रयोग किया का परिचय कराया जाता है बाई सर्च वर्ड्स इन शब्दों के माध्यम से उपमा अलंकार का परिचय कराया जाता है लाइक एज सो लाइक एज और सो जैसे शब्दों से उपमा अलंकार का परिचय कराया जाता है। यानी इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ये परिभाषा तीन आपके सामने रखी गई, आपको जो लगता है वो समझना उसको याद करना। अब उदाहरण किया जाए एग्जाम्पल लाइफ इज लाइक ए ड्रीम जीवन स्वप्न की तरह होता है या जीवन स्वप्न की तरह है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यह क्या है एक तरफ जीवन है और दूसरा तरफ स्वप्न दोनों भिन्न जाति के हुए यानी इन दोनों के बीच तुलना की गई है। तुलना के लिए शब्द लाइक का प्रयोग किया गया है। अब तुलना किस बात का किया गया है जीवन भी क्षण भंगुर है और सपना भी क्षण भंगुर है। सपना भी एक क्षण में टूट जाता है जीवन भी एक क्षण में समाप्त हो जाता है। माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज मेरा प्रेम लाल लाल गुलाब की तरह यानी लव की तुलना या लाल गुलाब से की गई है। लाल गुलाब प्रेम का प्रतीक है यानी तो यह कारण कि यहाँ दोनों दो जात के तरफ लव हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ भाववाचक संज्ञा हो गई और दूसरी तरफ आपको गुलाब हो गया दोनों दो जात के हैं। तीसरा है इट ड्रॉपेड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन यह आकाश से स्वाभाविक रूप से धरती पर गिरी
इट ड्रॉप एज द जेंटिल रेन फ्रॉम द हेवन, जिस प्रकार से आकाश की बूंदे धरती पर स्वाभाविक रूप से गिरती हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति के हृदय से दया की भावना स्वाभाविक रूप से निकलती है। ये शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए नट की कविता की लाइनें है, उसके पोयम की लाइनें है, जिसमें पोर्सिया कोट के अंतर्गत समझाने का प्रयास करती है, शैला को समझाने का प्रयास करती है, उसे दया दिखानी चाहिए। तो वह कह रहे कि जिस प्रकार से आकाश स्वाभाविक रूप से दया दिखा करके धरती पर बारिश करता है, वैसे ही वह दया की प्रशंसा करते हुए कहती है उसी प्रकार से व्यक्ति के हृदय से दया अपने आप निकलती है। इसमें आप देख रहे हैं एज भी आया हुआ है और यहाँ दया की तुलना वर्षा की सुखद बूंद से की गई है। चौथा आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, में बादल की तरह भटकता रहा, यहाँ मैं आई की तुलना बादल से की गई है और लाइक भी आया है। सी इज एज फ्रेश एज टी, वह ओस की तरह ताजी है, उतनी ही ताजी है जितना ओस, उसकी बूंदे में कोई मिलावट नहीं होती है, उसी तरह से वह सीज है, वह भी उतनी ही ताजी है जितना ओस की बूंद है। लड़की की तुलना ओस की बूंद से की गई है, ताजगी उनके बीच एक समान है। द नाइट इज एज डार्क एज ब्लैक स्टोन, रात काले पत्थर की तरह काली है। द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, रात काले पत्थर की तरह काली है, या नाइट की तुलना स्टोन से की गई है और तुलना के लिए एज भी आया हुआ है। नंबर सात, लिव लाइक हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हर्ट, सन्यासी की तरह जीवन बिताओ और घोड़े की तरह काम करो। तो यहाँ देख रहे हैं ना, सन्यासी की तरह जीवन बिताओ और वर्क लाइक ए हर्ट और घोड़े की तरह से काम करो, एक तरफ घोड़ा है और दूसरी तरफ आदमी है। अगला, सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लेक्स ऑफ ए ड्रीम, वह का मतलब यहाँ आया पालकी के लिए, जो कहार पालकी दुल्हन को बैठाए हुए पालकी सही धोते हैं, तो उसकी तुलना कराया कि उनके कंधे से पालकी ऐसे फिसलती है दुल्हन सहित, जैसे सपना देखते हुए बच्चे के होठों से मुस्कुराहट गुजर जाती है, फिसल जाती है। सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, जैसे सोए हुए बच्चे के होठों पर सपना तैरता है, यानी उसकी हंसी तैरती है, वैसे ही वो पालकी उनके कंधे पर तैरती रहती है, यानी फिसलती रहती है। This thy soul was like a star and dwelt apart, तुम्हारी आत्मा सितारे की तरह से थी और अलग दिखाई देती, मतलब ध्रुव तारा की तरह, या मेल्टन के लिए कहा गया है कि तुम्हारी आत्मा जो है ना वो सितारे की तरह है और अलग दिखाई देती है, मतलब यहाँ मेल्टन की आत्मा की तुलना सितारे से की गई। She falls like a tear from The eyes of a bride, जिस प्रकार से दुल्हन के आंखों से आंसू टपकते हैं, उसी प्रकार से पालकी कहानों के कंधे पर गिरती है। अब यहाँ देख रहे हैं, आगे नोट करके लिखा गया कि आप कैसे पहचानेंगे, जो लाइनें दी गई हैं उसमें सिमिली कैसे पहचानेंगे। तो पहली बात तो यह जान लीजिए, पहला है दो वस्तुएं भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, यानी जो तुलना दिखाया गया है उसके अंतर्गत दोनों वस्तुएं भिन्न प्रकार की, यानी दो जाति की होनी चाहिए। नंबर दो, दोनों में कम से कम एक गुण समान भी होना चाहिए, गुण या दोष दोनों के अंतर्गत कोई एक या गुण दोष समान होना चाहिए। और तीसरा, समानता प्रकट करने के लिए, मुख्य बात है समानता प्रकट करने के लिए, एज लाइक सो में से कुछ न कुछ प्रयोग किया गया हो, यानी जहाँ वाक्य के अंतर्गत एज लाइक सो दिखाई दे जाए, लगभग मान लीजिए 99% सिमिली है, फिर देख लीजिए क्या दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना की गई है तो सिमिली होगा,
लेकिन दोनों में दोनों दो जाति के होने चाहिए और एक गुण समान होने चाहिए। अब नोट करके लिखा है कि अगर तुलना एक ही जाति के वस्तुओं के बीच कर दी गई हो तब वहां उपमा अलंकार नहीं होगा, तब वहां तुलना हो जाएगी, कम परिजन हो जाएगी। सिमिली के लिए आवश्यक है वस्तुएं दो जाति के होने चाहिए, एक तरफ आदमी तो दूसरा ईटा पत्थर। आप यह नहीं कह सकते सीता इज ब्यूटीफुल लाइक गीता, यह कोई सिमिली नहीं है। सीता और गीता दोनों आदमी है, दोनों लड़कियां हैं, तो आपने तुलना किया उपमा अलंकार का, आपको कहना पड़ेगा सीता इज ब्यूटीफुल लाइक दी रोज, सीता इज ब्यूटीफुल लाइक दी रोज, या सीता इज ब्यूटीफुल लाइक दी मून, सीता चंद्रमा की तरह सुंदर है। तो अब यहाँ एक तरफ सीता, दूसरी तरफ ईटा पत्थर से बना हुआ चंद्रमा, दूसरी तरफ फूल, सीता इज ब्यूटीफुल लाइक रोज। यानी कहने का मतलब है कि दोनों वस्तुएं दो जाति की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा उपमा अलंकार के अंतर्गत मुख्य रूप से दो भिन्न जाति के वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है, और तुलना के लिए एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है।